हाय गाइस, जय आरसीएम। मैंने आज बनाया है आरसीएम कंपनी की आटा मैगी। चार अनाजों से बनी हुई है, ओट्स की आटा, सोयाबीन आटा, गेहूं की आटा, मटर के आटा से बनी हुई मैगी। 13.6 ग्राम प्रोटीन भी है एक मैगी में। ले लो बेटा गरम गरम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। घर साफ हो गई है, सब कुछ डस्टिंग भी हो गई है। आज बेटा का छुट्टी है तो मैं आज ब्रेकफास्ट में आरसीएम की आटा मैगी बना रही हूँ। ये है आरसीएम की चार अनाजों से बनी हुई मैगी। ओट्स की आटा, गेहूं की आटा, मटर की आटा और सोयाबीन की आटा से बनी हुई है। एक मैगी में 13.6 ग्राम प्रोटीन भी है और इसमें अजीनोमोटो बिल्कुल भी डली हुई नहीं है। अजीनोमोटो से नुकसान करते हैं। और ये एक मैगी बच्चे के आप दोगे तो दो रोटी के जितना फायदा करता है। जल्दी पच जाती है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलती है। जैसे बाहर के मैगी आप लोग खाओगे उसमें नुकसान करते हैं, मैदा का मैगी होती है, अजीनोमोटो डाली होती है, अजीनोमोटो से हमारा हड्डियों में नुकसान करता है। तो मैं आज ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी आरसीएम की चार अनाजों से बनी हुई आटा मैगी। मैंने मैगी के लिए टमाटर प्याज को छोटी छोटी पीस में काट लिया है। तेल गरम हो चुका है, मैं एक साथ ऐड करूंगी प्याज और टमाटर को और इसे अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। इसे मैं अच्छी तरह से फ्राई करूंगी, जब तक पकता नहीं तब तक मैं इसे ढक के पकाऊंगी। हो गई है प्याज और टमाटर फ्राई और मैं घर के मसाले भी ऐड करूंगी, नमक भी थोड़ी ऐड करूंगी। मैगी में तो नमक है ही, फिर भी मैंने प्याज टमाटर फ्राई किया है तो उसके लिए मैं नमक भी मैंने थोड़ी सी ऐड कर दिया है। और मैं ऊपर से पानी को ऐड करूंगी। और इसको ग्रेवी को हल्की सी उमाल आने दूंगी। ग्रेवी को भी ढक दूंगी मैं, जल्दी उमाल आ जाएगी। उमाल आ गई है ग्रेवी में। अब मैं ऐड करूंगी मैगी मसाला। दो मैगी का पैकेट बना रही हूँ तो दो मसाले ही होंगे। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और मैं लास्ट में मैगी को ऐड करूँगी क्योंकि मैगी को तोड़ नहीं रही मैं। मेरा बेटा को लंबी लंबी मैगी पसंद है। इसका चूरा हल्की सी ऐसे कर दूंगी ग्रेवी में। बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी है ये आरसीएम की मैगी, चार अनाजों की मैगी। ओट्स की आटा, मटर की आटा, गेहूं की आटा एंड सोयाबीन की आटा से बनी हुई मैगी। बहुत अच्छा स्वादिष्ट मैगी है आरसीएम की हेल्दी मैगी। अगर मैं एक मैगी खाऊंगी तो एक मैगी में मुझे 13.6 ग्राम प्रोटीन मिलेगी। थोड़ा देर ढक के पकाऊंगी।
राम जय जय राम। वाओ बन गई है मैगी, रेडी हेल्दी टेस्टी यम्मी मैगी। गैस को बंद कर देती हूँ मैं, रेडी बिल्कुल रेडी हो गई है मैगी। ऊपर से मैंने हल्की सी सॉस ऐड किया है, जितने खाना है उतना ही स्वाद अनुसार, और ऊपर से थोड़ी सी मैंने देसी घी। वाओ हेल्दी सिंपल टेस्टी मैगी, ले लो बेटा गरम गरम।